हेलो इंडिया, हैप्पी दिवाली सभी को। आज हम लेके आए हैं राव की दिवाली स्पेशल वीडियो। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। 18 एपिसोड हो चुके हैं राव के, तो 18 एपिसोड में हमने क्या क्या अचीवमेंट की है वो मैं दिखाने वाला हूँ इस राव में। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम दिखाएंगे इंजन रूम, पूरा ग्राउंड फ्लोर। ये अभी खाली है, यहाँ पे बनना बाकी है। और ये हमने ऑटोमेटिक वाला हासिल कर लिया है। उसके बाद में बैटरी चार्जर भी ये है, जिसके लिए हमको फ्यूल यूज नहीं करना पड़ेगा। फ्यूल बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें और फ्यूल ड्रम। अभी फ्यूल की दिक्कत नहीं होती, ये तीनों अपने आप बनाती रहती है। बार बार में मेरे को छोटा छोटा कैन नहीं बनना पड़ता। ये पानी के लिए पूरा सप्लाई देखो पाइप पे कैसे बिछाई हुई है। दो पानी का यहाँ पे है, एक पानी का ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर वाले में भी जाता है और जहाँ पे अपने जानवर पालते हैं वहाँ पे भी जाता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे जा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर ये जानवर वालों में जा रहा है और यही पाइप से सीधा जा रहा है। ये इंजन से टोटल 8 इंजन लगा के रखे हैं हम लोगों ने। ये देखिए, चार उधर है, चार उधर है। एक इंजन को प्लेन्स को देखता है, बट हमारे पास में नियर बाई 600 ही है, तो 8 इंजन में हो गया था। ये देखिए 8 इंजन सबसे बेस्ट है। ये कि आपके पास जितने प्लैंक आपने डाउन में लगाए उससे थोड़े ज़्यादा ही लगाइए और काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज कीजिए बस। और दिवाली के लिए लाइटें वाइटें लगा के रखी है। देखो, लाइटों के लिए मैं ग्राउंड फ्लोर थोड़ा अभी पेंडिंग रह गया था, क्योंकि अकेला ही बना रहा हूँ ना, तो हेल्प नहीं है किसी दूसरे की, तो देखते रहिए। एक बार जानवर दिखा के ले आता हूँ, हमने कौन कौन से जानवर पाल के रखे। हमारे पास बकरी है, मुगरी है और लामा। और ये भूतों को देख के डरना नहीं, भूत हमारे हर जगह पे मिलेगी। ये हमारा आउटर एरिया है, दोनों साइड से आउटर एरिया है। यहाँ पानी की कमी है, पानी जैसे बारिश होगी ये भी उग जाएगा। ये आउटर एरिया, चल अंदर से दिखाता हूँ एक बार मैं कैसे। हाँ, ये देखो मुर्गी है, लांबा है और बकरी है। मैं बता दूं, अगर किसी को नहीं पता तो मुर्गी यहाँ पे अंडे देती है, बकरी यहाँ पे दूध देती है और लांबा हमको वूल देता है, जिससे हम बैग बना सकते हैं और हाथ पर कैप बना सकते हैं, ये चीज़ें बना सकते हैं। ये हनी कॉम्ब है, अपनी आती है हनी शहद बनाती है और हम उसको खा लेते हैं। ये बैटरी चार्जर है, यहाँ पर जैसे बैटरी ख़त्म होती है तो यहीं पर चार्ज कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम तो डालने की जरूरत नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से, दूसरा को दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट है, और यहाँ से हमको चल के जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जा सकते हैं। स्टार्टर पे मार देता हूँ, यहाँ पे इंजन, सॉरी इंजन नहीं, हमारा हैंडल लगा है। लंच दिखाता हूँ कैसे हम खाते हैं, कैसे हम बनाते हैं खाना। फूड एरिया जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे भी बैटरी चार्जर है, तीन तीन है, सॉरी चार है बैटरी चार्जर है। दोनों साइड से हम बैटरी चार्ज करते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक वाला है, ये लकड़ी वाला है जिससे हम नीचे लकड़ी जला सकते हैं। वो जूसर है और फ्रिज और अलमीरा है जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, कच्चा वाला फ्रिज में पका के रखते हैं एज पर नेचुरल, जैसे होता है ज़िंदगी में, रियल लाइफ में। ये हमने आलू उगा के रखे हैं, और यहाँ पे तरबूज भी है और पाइनएप्पल भी है, कुछ आलू और साइड में फूल भी है कलर के लिए, तो सबसे बेस्ट ये। और यहाँ पे हमने क्या क्या अचीवमेंट किया, कौन कौन से जानवर से हम बचे हैं, मारे हैं, वही है। यहाँ पे सभी जानवर हैं, बियर एंड बाल बड़ी वाली, वाइट एंड ब्लैक बियर, भालू जिसको हमने पेला है,
ये हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते हैं। वैसे तो बाहर भी रखते हैं बट यहाँ पे भी रखते हैं। देखो इतने अलमीरा लगे, तभी मैं सामान कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लाइक मारो इसी बात पे। एंड इसके ऊपर ही हमारा होटल है, होटल गुम चुम चुम, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4। आओ कभी खाने पे होटल गुम चुम चुम। जल्द से जल्द आए, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है तो टेबल बुक करके ही आना, ऐसे मतलब नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे हम बनाना उगा के रखते हैं, ट्री भी यहाँ पे है और इनकी रक्षा करने के लिए भूत भी है। एंड ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, इसका नाम मेरे को नहीं पता है। अगेन यहाँ पे बैटरी चार्जर। एंड ये देखिए बनाना के लिए स्कॉटी पूरी खड़ी कर रखी है, स्कॉटी की कमी। नीचे से भेड़ बकरी की आवाज़ आ रही है क्योंकि ऊपर से हमने खुला रखा है। ये हमारी रिसर्च टेबल ब्लू एंड पिंक कलर में, एंड ये सोफा आराम से बैठ के व्यू देख के आराम करने के लिए। इसको वैसे तो दूसरा कोई काम नहीं। तो स्टोरेज हो गया। एंड अभी हमारा जो है मेल कुछ ही समझो तंदूर, पहले तंदूर का बनाने के भी इलेक्ट्रिक वाला हमको मिल चुका है। एंड ये अभी काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पे फिर से इनके लिए बैटरी चार्जर भी है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वाइट वाले, वाइट और ग्रीन, ये है जो हम क्रैश करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल को। एंड ये फिर से सोफा, ये आगे का व्यू देखने के लिए है, इसे हम आगे का व्यू देख सकते हैं। एंड फिर से एक बार मैं नीचे जाता हूँ मैं जगह पे, और स्टेयरिंग के बाद में इंजन शटर है यहाँ पे ही और स्टेयरिंग भी है। और अभी हम मेन जो है हमारा अचीवमेंट वो यही है, दिवाली के लिए जो स्पेशल हमने लाइटें लगा के रखी है, ऊपर से जो रस्सियाँ हमने बना के रखी है मेले की तरह, पता नहीं मेले की तरह लग रही है कैसी लग रही है, बट मेरे को शानदार लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में भोंपू और भरते फट गया। तो चलिए चलते हैं मेन अचीवमेंट के पास में धीरे धीरे, भूत रास्ते के हिसाब से, कोई डरेगा नहीं यहाँ पे। और लाइट वाइट कैसी लगी है, सही है तो लाइक करो, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारी रॉकेट ही रॉकेट भाई, बहुत दिवाली पे पटाखे बजाओ, लोग ऐसे बोलते रहेंगे बट बजाओ बट बजाओ। वो हमारी शिप का झंडा है। एंड इतनी रॉकेट्स हैं, गेम में तो चला ही सकते हैं, अगर रियल लाइफ में कोई नहीं चलाने देगा तो गेम में तो हम चलाएंगे चलाएंगे। इसी बात पे एक लाइक मारना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भूत कितने खड़े कर रखे हैं, इतनी सेफ्टी के साथ एक एक रॉकेट। ये सारी हम चलाए और पूरा व्यू आपको दिखाएंगे चल रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। मैं खुद ही फंस जा रहा हूँ, इतनी रॉकेट है यहाँ पे, चलने के लिए जगह नहीं सही से। और ऊपर ये देखो रस्सियों से मैंने कैसे डिज़ाइन बना के रखा है, मेरे हिसाब से आज तक ऐसा डिज़ाइन किसी ने सोची भी ना होगी, किसी ने भी ना सोचा होगा ऐसा डिज़ाइन। ध्यान से देखो जालीदार डिज़ाइन ऊपर आसमान रहता है, जालीदार डिज़ाइन के साथ वक्त है रॉकेट जलाने का, लाइट हो चुकी है। और सभी को हैप्पी दिवाली आपने, सभी को हैप्पी दिवाली, और हैप्पी दिवाली जरूर लिखिएगा एक बार अभी तक बहुत खेती रहते हैं। और चला के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे हिसाब से कम 500 रॉकेट है। तो सभी
भी रचर दीवार लाइक मारना मत भूलिएगा, एक रेकेट का एक लाइक कर सकते हैं आप। अभी तक आप लोगों ने जो भी सपोर्ट किया बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब खास से एक लाइक बनता है दिवाली स्पेशल के लिए। तो लाइक करें, कमेंट करें, जल्द से जल्द करें, रॉकेट उड़ाते रहें, जितनी रॉकेट उड़ाते रहें उतना बढ़ रहा है। की आवाज में मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। पटाखे की आवाज बहुत ज्यादा इसीलिए आ रही है क्योंकि यार जैसे पटाखे तो पटाखे क्रैकर तो क्रैकर था भाई, बजाओ लाइक के अंदर पॉल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना खा के हमने फिर से एनर्जी आ चुकी है तो हम भी छोड़ दिया है। रॉकेट बजती है भाई, हमारी एक भी रॉकेट कुछ नहीं बिगड़ गया। यहाँ पे आप दुकान से लेके आओगे तो कुछ भी नहीं बचे। रॉकेट लगाइए, पांच सौ लाइक पे चेक कर देना, सही है इतना तो बनते हैं। 18 एपिसोड की मेहनत आपको सिर्फ 20 मिनट में दिखा रहा हूँ, से
I think this is the end. There you go. तो हमने सभी रॉकेट जला दिए और कोई भी हमारी खुश नहीं निकली। जिसके बाद से लाइक बनता और एक कमेंट बनता है हैप्पी दिवाली। एंड एक बार आप देख सकते हो दोबारा से देखिए। हाँ, ऊपर भी हमने चार्जिंग के लिए लगा के रखा है, बट आपको बता दूं कि उधर अभी चार्जिंग बहुत छुट्टी है, वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, अभी डिज़ाइन के लिए है। देखता हूँ मैं दूसरा कुछ अगर हो सकता है तो इसके लिए। आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये सामने का दृश्य है ऊपर से, एक साइड में खाने का, एक साइड में मेल्ट करने के लिए आइटम को। एंड ये देख ही रहे हो ऊपर का नज़ारा। बिल्कुल शानदार नज़ारा। ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड एक एक भूत के लिए भी एक एक लाइक बनता है। वैसे तो एक हॉरर रूम की कमी है इसमें, वो भी मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्द। जूस पी लेता हूँ एक बार ताकि एनर्जी बनी रहे। आप लोगों भी अगर कुछ नहीं खाया है तो जूस वूस पी लो यार, एनर्जी बनी रहेगी उससे वीडियो देखने के लिए। तो लाइक करते रहें। एंड नाइट हो चुकी है, देखो नीचे का नज़ारा दिख रहा है ऊपर से। एंड रस्सियाँ देख रहे हो जो कि असेंबल है एक ही जगह पे। उसके बाद में ये जालीदार एंड भूत देखो। डायरेक्ट चलते हैं हम अपने मेन हिस्से पे, आगे ही आगे रस्सी के साथ लुमेट से। ये देख, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड और दिखा देता हूँ, पहले लेफ्ट चलते हैं। एक एक रस्सियाँ, मोमबत्तियाँ, और मोमबत्तियों की लाइन देखो यार, कैसे छूट ही नहीं रही है। साइड में लैंप है, बगल में मोमबत्तियाँ हैं, ऊपर से अच्छा ये अंदर जाने के लिए है। यहाँ पे आपको जाना पा सकते हैं, अंदर से कभी दिखा दिया और बाहर से नज़ारा है। और एक ये बैटरी चार्जर यहाँ भी लगा के रखा है। मोमबत्ती देख रहे हो, मोम मतलब मज़ा आ रहा है। ऊपर से चांद देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। होप आप जो भी एरिया में है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे बारिश ना हो और आप दिवाली अच्छे से बनाएं, दिए जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं, पटाखे वटाखे भी थोड़े बहुत जला लें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड एक ये फिर से बैटरी चार्जर, और ये सेकंड गेट मतलब ये नीचे से ऊपर आने के लिए जो हमारा इंजन एरिया है। और फिर से मोमबत्ती की लाइन देख रहा है, मेरे को देख के बिल्कुल आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है। और लाइक करना मत भूलिएगा, ये वही गेट है, हम आर पार निकल सकते हैं यहाँ से। आप लोगों को अगर मेरे रात टाइटैनिक का अगर डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ। अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं कराना है और आपका आइडिया बहुत सकता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमने पूरी राफ्ट का आपका दिखा दिया है, तो कुछ भी इशू है या दिक्कत है, लगता है कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो हम चेंजेस भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सभी को हैप्पी दिवाली। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबको हैप्पी दिवाली विश करें। बस इतना ही हम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।